to you today. Bajrang Dal protesting outside the Congress office. They are up in arms. They are saying, why is the Congress targeting us? After supporting the PFI and the SDPI, the Congress is going after the Bajrang Dal. You've heard the Prime Minister, Aishwarya Jain, now joining us live from the protest site. Yes, Aishwarya. Well, there you can see in the visuals, the Bajrang Dal Karyakartas have arrived over here at Akbar Road at the Congress headquarters, and they will be going to march towards the Congress headquarters. They are quite in numbers over here, and this protest is certainly against Congress, clearly stating in their manifesto that if there would be violence in the state of Karnataka, Bajrang Dal will be banned. And against that, certainly the Bajrang Dal had come over here, and they are protesting, Vijay Shankar and other Bajrang Dal leaders over here, but massive security also have been placed over here. As if I can tell my camera person to again come along with me and show these visuals, barricading have been put forward here at the Akbar Road. On the other side, massive police security along with water cannons have also been deployed. There you can see three layers of barricading because no permission have been granted by the Delhi police for these Bajrang Dal Karyakartas to protest at Akbar Road. But certainly they clearly have been saying that it is Congress who had joined hands with the terrorists. That's the banner that had been put forward by the Bajrang Dal Karyakartas over here, who have been protesting over here. And if you can just go and talk to some of the Bajrang Dal Karyakartas over here. Sir, aap log yahan par aaye hain, protest kar rahe hain, kya kuch aap log? अभी ऐसा है, अभी यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ से हम अभी मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय की ओर आगे बढ़ेंगे। हम कांग्रेस ने जो चुनौती बजरंग दल को दी है, हिंदू समाज को दी है, उसको हमने स्वीकार किया है, और हम देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस अपने इस षड्यंत्र के अंदर कामयाब हो पाती है। कर्नाटका के अंदर चुनाव है और लगातार इस बात पर मैनिफेस्टोज में भी कहा गया है कि अगर वॉयलेशन होता है लॉस का तो आप लोगों को बैन कर दिया जाएगा वहाँ पर। नहीं, वॉयलेशन की तो बात ही नहीं, उन्होंने तो सीधा कहा है बैन कर दिया जाएगा। वॉयलेशन की बात तो आप कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो सीधा कहा है बैन। वॉयलेशन तो कोई भी करेगा तो उसको आप बैन करेंगे। वायलेशन पीएफआई ने किया तो उसको केंद्र सरकार ने बैन किया है। हमने कभी वायलेशन किया नहीं, हम कोई वायलेशन करते नहीं, तो हमारा नाम क्यों घसीटा जा रहा है इसके अंदर? क्यों कहा गया है आपको, क्यों लगता है कि इस तरीके से कांग्रेस बजरंग दल को लेकर? कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर वापस लौट रही है। कांग्रेस चुनावी लाभ के लिए इस तरह की बातें कर रही है, पर अपने चुनावी लाभ के लिए किसी देशभक्त संगठन के बारे में इस प्रकार की बातें करना, ये कांग्रेस जैसी पार्टी को शोभा नहीं देता। इसलिए हमने कहा है, कांग्रेस को हम समझाने के लिए आए हैं, चुनौती उसकी हमें स्वीकार है कि अगर वो इस प्रकार की बात करेंगे तो जनता उनको उतोड़ जवाब देगी। काफी सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा जय श्री राम के खिलाफ थे, अब बजरंग बली के नारे लगाने वाले। स्टे विद दिस पिक्चर्स एंड लेट्स कट स्ट्रेट टू अ न्यूज कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड बाय द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी डॉक्टर संबित पात्रा। और 100% हिंदू विरोधी, यही कांग्रेस की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस। द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज 85% कमीशन एंड 100% एंटी हिंदू। आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा ये जारी किया, कर्नाटक के चुनाव के दृष्टिकोण से, और कर्नाटक के पावन भूमि में, उस पावन भूमि जहां से आंजनेय अर्थात हनुमान जी का संबंध है, वो भूमि हनुमान जी का है, उस भूमि से बजरंग बली के अपमान में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी उतरी है, यह हम सबने देखा है। कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है, जय श्री राम कहना यह कांग्रेस पार्टी को कम्युनल राजनीति लगती है। आपको याद होगा जब रामलीला के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम का उद्घोष लगाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे भली भांति याद है, उस समय कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया था। कांग्रेस ने कहा था प्रधानमंत्री जय श्री राम का नारा कैसे लगा सकते, तो जय श्री राम का नारा लगाना यह हिंदुस्तान को अपमानित करता है। सोचने वाली कांग्रेस पार्टी
अब जो लोग कर्नाटक में जय बजरंग बली बोलेंगे उन्हें जेल के सलाखों में डालेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह कांग्रेस पार्टी के अमंगल विचारों को दर्शाती है। बंधुगण, यह वही कांग्रेस पार्टी है जहां सोनिया गांधी जी के कहने पर एफिडेविट दिया गया था कि लॉर्ड राम डज नॉट एग्जिस्ट, ही इज काल्पनिक, ही इज जस्ट एन इमेजिनेशन। कि कांग्रेस पार्टी के उस एफिडेविट को आप याद करिए जहां स्पष्ट रूप से सोनिया जी के आदेश पर यह कहा गया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, वो काल्पनिक हैं, और इसलिए रामायण और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों का कोई महत्व कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं था। आज वही कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मंगलवार के दिन बजरंगबली के अपमान में उतर कर आई है, आज कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि 2014 के बाद से बार बार ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर बजरंगबली का जो प्रकोप है वो क्यों है। बंधुगण, ये और कुछ नहीं, दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट बाय द कांग्रेस पार्टी टू सेव द पीएफआई। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को बचाने के लिए ये बहाने ढूंढते हैं, और वही कारण है जो बजरंग बली का अपमान करके और इस अपमान के माध्यम से पीएफआई को कैसे बचाया जाए उसकी कुचेष्टा ये कांग्रेस पार्टी करती है। तुष्टीकरण की राजनीति की यह पराकाष्ठा है। इट वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन इफ आई से दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। हनुमान जी को लेकर आना, बजरंग बली के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना और यह कहना कि जो भक्त बजरंग बली के हैं, जो बजरंग बली का नारा लगाएंगे उनको बैन कर दिया जाएगा, यह कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता नहीं सहेगी। आप याद करिए, यह वही राहुल गांधी जिनका मानना था कि वो लोग मंदिर जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ राहुल गांधी? द राहुल गांधी हु फील्स दैट दोज हु गो टू टेम्पल आर द वंस हु अटैक वुमन, आर द वंस हु आर अगेंस्ट वुमन, लड़कियों को छेड़ने वाले मंदिर जाते हैं, उस राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या बजरंग बली या भगवान श्री राम के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे? कदाचित नहीं। जय श्री राम कहने वाले, जय हनुमान कहने वाले, जय बजरंग बली कहने वाले, इनके लिए कुलछित दृष्टि और उनको जेल में डालने की कुचेष्टा, यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। और बंधुगण, ये भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर, दिस फ्रेज वॉज कॉइंड बाय नन अदर देन सोनिया जीज कांग्रेस पार्टी, राहुल जीज कांग्रेस पार्टी। भगवा एक आतंक है, भगवा रंग आतंक को दर्शाता है, और भगवा आतंकवाद होता है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग करने वालों ने आज पुनः उसे दोहराया है, ये कहते हुए कि जो जय बजरंग बली कहते हैं हम उन पे ताला लगाएंगे, हम उनको बैन करेंगे। दिस इज ऑडेशियस। नाइदर द सिटीजन्स ऑफ कर्नाटका nor anyone in any corner of India is going to tolerate this, and democratically people of Karnataka are going to reply to this on May 10th when they go on voting. Anjaneya Karnatakada Hemaya Devaru Devarige Avamana Madutidde Congress Hanuman Avamana Karnataka Sahi Suvudilla. I repeat, this is for my brothers and sisters. यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं उड़ीसा का रहने वाला, दिल्ली में आपके बीच में हिंदी बोल रहा हूं, मगर मेरा प्यार है कर्नाटका के लोगों से, और इसीलिए हम सबका मानना है कि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई ऊंच नीच भी हो जाए, मगर प्रयास और कोशिश हर भाषा को सीखने की होनी चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और इससे एक सौहार्द का भाव पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अपने कर्नाटक के बंधुओं के लिए,
ಆಂಜನೇಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೇಮಯ್ಯ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹನುಮನ ಅವಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ calling it proof of naked the vote bank appeasement and slamming the Congress party for its election promise to ban the Bajrang Dal. This remains our top focus on Times Now. Siddharth Thalia joins you on the other side.